शिक्षक दिवस है और पूरी दुनिया आज अपने टीचर्स को सलाम कर रही है, उन्हें याद कर रही है। इसलिए अगली खबर टीचर्स के नाम। आपने स्कूल में टीचर्स से पढ़ाई की हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी की टीचर अब रोबोट भी हो सकती है। जी हाँ, बेंगलुरु में एक प्राइवेट स्कूल में कई सब्जेक्ट रोबोट्स टीचर पढ़ा रहे हैं। आपने रोबोट वेटर देखे हैं। हेलो एवरीवन, इन इंग्लिश। रोबोट एंकर देखे। दिस इज माय वेरी फर्स्ट डे इन ज़िंग वन्स एजेंसी। माय वॉइस एंड अपीयरेंस। स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्रीज सेल्सियस। अब देखिए रोबोट टीचर। बच्चों की क्लास लेगा रोबोट। जरा सोचिए, स्कूल का क्लासरूम और बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने वाला इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। अपनी तरह में ये अनोखा प्रयोग बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने किया है, जहां बच्चों को रोबोट पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाली ये रोबोट टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। खास बात ये है कि रोबोट का पहनावा भी स्कूल के बाकी टीचर्स की तरह ही है। इस स्कूल में 3 रोबोट क्लास 7वीं, 8वीं और 9वीं में लगभग 300 छात्रों को 5 विषय पढ़ाते हैं। रोबोट आने के बाद मैंने बहुत सारे बदलाव देखे क्लासरूम में। रोबोट की मदद से क्या होता है कि मेरा काम पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। रोबोट सब पढ़ा लेते अपने आप। रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं, जो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि उनके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। यही वजह है कि बच्चों को अपनी ये नई टीचर बहुत पसंद आ रही है। मुझे पहले तो अजीब लगा कि एक रोबोट सिखाएगा, उसके बाद अच्छा लगा जब उससे थोड़ी 2-3 क्लासेस हुई तो अच्छा लगा। उसको सुन के उसका सिखाने का तरीका अच्छा है। ये रोबोट टीचर बच्चों के पूछे गए संबंधित विषय के सवालों का सही जवाब भी देते हैं। इन रोबोट्स को फीमेल टीचर लुक दिया गया है। एक रोबोट की लागत 8 लाख रुपए बताई गई है। राव ने बताया कि इन रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बच्चों से बात करते हैं और विषय से जुड़े सवालों के जवाब दें। ये रोबोट 7वीं से 9वीं क्लास के छात्रों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमने सोचा कि अगर रोबोट को लाया जाए तो रोबोट जो है वो इस टीचर के जो ये रोजमर्रा के जो काम है उसको संभालेगा रोबोट, और जो असली काम है टीचर का हमारे ध्यान के अंदर वो सब्जेक्ट पढ़ाने का सिर्फ नहीं है, उसको एक बच्चे को वो कॉम्पिटेंसीज देने का उसका जो फर्ज है टीचर का वो अभी उसको निभा पाएगी। इन रोबोट्स का वजन 45 किलो है और इनको बनाने में 2 साल का समय लगा है, और इन्हें बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और AI टूल की मदद ली गई है। हमने रोबोट्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अभी इंटरनेट के आने के वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से नॉलेज अभी इजीली अवेलेबल है। अभी शिक्षा इंटरनेट से भी मिल सकती है, तो टीचर्स को अपने आप को रीरोल करना पड़ेगा। हालांकि स्कूल ने रोबोट टीचर उपयोग में लाने के बाद ये आश्वासन भी दिया है कि इससे बाकी टीचर्स में कोई कमी नहीं आएगी। निश्चिता वीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बेंगलुरु।